वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम टीला क्वेंचल लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट के साथ यहाँ पे मंडे के दिन क्या मूवमेंट हो सकती है वो भी यहाँ पे हम देखने वाले, आने वाले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी चेक करेंगे। उससे पहले देख सकते हो कि थर्सडे के दिन 14 लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है ट्राइड टीला क्वेंचल स्टॉक ने, 2.86% की रैली भी हो चुकी थी। तो टीला क्वेंचल स्टॉक की बात की जाए तो ओपन हुआ था 14 लेवल पे, हाई बनाया था 14.18 का और लो था 13.73 का। तकरीबन 14 लेवल पर सपोर्ट लेके यहाँ पे ऊपर सेटल हो चुका है 14 लेवल के, यहाँ पे आप देख सकते हैं टिलक वेंचर स्टॉक। मार्केट कैप की भी बात की जाए तो 315 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और पी रेशियो देखिए तो बहुत ही हाई है यहाँ पे टिलक वेंचर स्टॉक का। तो पिछले 5 दिनों की भी बात देखी जाए तो पिछले 5 दिनों में यहाँ पे 5% से ज्यादा गिरावट हो चुकी है। तकरीबन फिर से यहाँ पे 15 लेवल पे रजिस्ट्रेशन लगने के चांसेस दिखाई दे रहे, जैसे रजिस्ट्रेशन लगा तो फिर से यहाँ पे गिरावट देखने को मिले तो यहाँ पे टिलक वेंचर स्टॉक के अंदर। 1 मंथ की भी बात चेक की तो 1 मंथ में भी आप देख रहे, पहले भी आप 15 लेवल पे रजिस्ट्रेशन ले गए थे, फिर से एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया था, फिर 15 लेवल पे फिर से रजिस्ट्रेशन लगने के बाद आप गिरावट देखने को मिले टिलक वेंचर स्टॉक के अंदर। तो टिलक वेंचर स्टॉक में यहाँ पे चौपी नजर आ रहा, क्या फिर से आप 15 लेवल ब्रेकअप कर पाएगा, ये सभी के मन में सवाल है। तो टिलक वेंचर स्टॉक की बात की जाए तो आप देख सकते हैं करंटली जो मंथली प्यूट जो है उसके ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है, जो कि अच्छी बात है, उसका भी सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है इस मंथ में कई बार। तो रिसेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है इंपॉर्टेंटली यहाँ पे 15.50 उसका यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आया है कई बार यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट 28 डेज में। परंतु यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से एक अच्छा बाउंस बैक दिखाता है टेलर क्विंटर स्टॉक, ऊपर जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15.50 लेवल को भी ब्रेक करता है, फिर भी यहाँ पे 16 लेवल पे रेजिस्टेंस 1 है मंथली बेसिस का, उसका रेजिस्टेंस लगने के चांसेस है। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ में जैसे प्यूट लेवल चेंज हो जाएंगे तो बीच में कोई स्पैन नहीं होगा, तकरीबन कोई रेजिस्टेंस या कोई यहाँ पे प्यूट लेवल का, तो ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से अच्छे दिखाई देंगे। जैसे मंथली प्यूट अभी नीचे है वैसे ही नीचे आता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस 1 यहाँ पे नजदीक आता है और मंथ के स्टार्टिंग में ब्रेकआउट मिलता है रेजिस्टेंस 1 को, तो एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है टिलक वेंचर स्टॉक के अंदर। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट टिलक वेंचर स्टॉक के लिए।